गिनती की पुस्तक अध्याय 7, गिनती की पुस्तक अध्याय 7, वेदी के अभिषेक के उत्सव की भेंटे। फिर जब मूसा ने निवास को खड़ा किया और सारे सामान समेत उसका अभिषेक करके उसको पवित्र किया और सारे सामान समेत वेदी का भी अभिषेक करके उसे पवित्र किया, तब इसराइल के प्रधान जो अपने अपने पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष और गोत्रों के भी प्रधान होकर गिनती लेने के काम पर नियुक्त थे, वे यहोवा के सामने भेंटे ले आए और उनकी भेंट 6 छाई हुई गाड़ियां और 12 बैल थे, अर्थात दो दो प्रधान की ओर से एक एक गाड़ी और एक एक प्रधान की ओर से एक एक बैल। इन्हें वे निवास के सामने यहोवा के समीप ले गए। तब यहोवा ने मूसा से कहा, उन वस्तुओं को तू उनसे ले ले कि मिलाप वाले तंबू के बरतने में काम आए, सो तू उन्हें लेवियों के एक एक कुल की विशेष सेवकाई के अनुसार उनको बांट दे। सो मूसा ने वे सब गाड़ियां और बैल लेकर लेवियों को दे दिए और गेर्शुनियों को उनकी सेवकाई के अनुसार उसने 2 गाड़ियां और 4 बैल दिए और मरारियों को उनकी सेवकाई के अनुसार उसने 4 गाड़ियां और 8 बैल दिए। ये सब हारून याजक के पुत्र इत्मार के अधिकार में किए गए और कहातियों को उसने कुछ न दिया, क्योंकि उनके लिए पवित्र वस्तुओं की यह सेवकाई थी कि वह अपने कंधों पर उठा लिया करे। फिर जब वेदी का अभिषेक हुआ, तब प्रधान उसके संस्कार की भेंट वेदी के आगे समीप ले जाने लगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, वेदी के संस्कार के लिए प्रधान लोग अपनी अपनी भेंट अपने अपने नियत दिन पर चढ़ाए। सो जो पुरुष पहले दिन अपनी भेंट ले गया, वह यहूदा गोत्र वाले अम्मीनादाब का पुत्र महशोन था। उसकी भेंट यह थी, अर्थात पवित्र स्थान वाले शेकेल के हिसाब से 130 शेकेल चांदी का एक परात और 70 शेकेल चांदी का एक कटोरा। ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए और मैदे से भरे हुए थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 शेकेल सोने का एक धूपदान, होम बलि के लिए एक बछड़ा, एक मेंढा और 1 वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा, पाप बलि के लिए 1 बकरा, दोनों और मेल बलि के लिए 2 बैल और 5 मेंढे और 5 बकरे और 1-1 वर्ष के 5 भेड़ी के बकरे। अब्मीनादाब के पुत्र महशोन की यही भेंट थी। दूसरे दिन इस्साकार का प्रधान सुआर का पुत्र नतनेल भेंट ले आया, वह यह थी, अर्थात पवित्र स्थान वाले शेकेल के हिसाब से 130 शेकेल चांदी का एक परात और 70 शेकेल चांदी का एक कटोरा। ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए और मैदे से भरे हुए थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 शेकेल सोने का एक धूपदान, होम बलि के लिए 1 बछड़ा, 1 मेंढा और 1 वर्ष का 1 भेड़ी का बच्चा, पाप बलि के लिए 1 बकरा और मेल बलि के लिए 2 बैल और 5 मेंढे और 5 बकरे और 1-1 वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे। सुआर के पुत्र नतनेल की यही भेंट थी। और तीसरे दिन जुबलूनियों का प्रधान हेलोन का पुत्र एलियाब यह भेंट ले आया, अर्थात पवित्र स्थान वाले शेकेल के हिसाब से 130 शेकेल चांदी का एक परात और 70 शेकेल चांदी का एक कटोरा। ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए और मैदे से भरे हुए थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 शेकेल सोने का एक धूपदान, होम बलि के लिए 1 बछड़ा, 1 मेंढा और 1 वर्ष का 1 भेड़ी का बच्चा, पाप बलि के लिए 1 बकरा और मेल बलि के लिए 2 बैल और 5 मेंढे और 5 बकरे और 1-1 वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे। हेलोन के पुत्र एलियाब की यही भेंट थी। और चौथे दिन रूबेनियों का प्रधान शदेऊर का पुत्र एलिसूर यह भेंट ले आया, अर्थात
पवित्र स्थान वाले शेकेल के हिसाब से 130 शेकेल चांदी का एक परात और 70 शेकेल चांदी का एक कटोरा, ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए मैदे से भरे हुए थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 शेकेल सोने का एक धूपदान, होम बलि के लिए एक बछड़ा और एक मेंढा और एक वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा, पाप बलि के लिए एक बकरा और मेल बलि के लिए 2 बैल और 5 मेंढे और 5 बकरे और एक एक वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे। शदेउर के पुत्र एलीसूर की यही भेंट थी। और पांचवें दिन शिमोनियों का प्रधान सूरीशय का पुत्र शलुमियल यह भेंट ले आया, अर्थात पवित्र स्थान वाले शेकेल के हिसाब से 130 शेकेल चांदी का एक परात और 70 शेकेल चांदी का एक कटोरा, ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए मैदे से भरे हुए थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 शेकेल सोने का एक धूपदान, होम बलि के लिए एक बछड़ा और एक मेंढा और एक वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा, पाप बलि के लिए एक बकरा और मेल बलि के लिए 2 बैल और 5 मेंढे और 5 बकरे और एक एक वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे। सूरीशद्दै के पुत्र शलुमियेल की यही भेंट थी। और छठवें दिन गादियों का प्रधान दुएल का पुत्र सल्यासाप यह भेंट ले आया, अर्थात पवित्र स्थान वाले शेकेल के हिसाब से 130 शेकेल चांदी का एक परात और 70 शेकेल चांदी का एक कटोरा, ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए और मैदे से भरे हुए थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 शेकेल सोने का एक धूपदान, होम बलि के लिए एक बछड़ा और एक मेंढा और एक वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा, पाप बलि के लिए एक बकरा और मेल बलि के लिए 2 बैल और 5 मेंढे और 5 बकरे और एक एक वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे। दुएल के पुत्र एल्लासाप की यही भेंट थी। और सातवें दिन एप्रेमियों का प्रधान अम्मीहूत का पुत्र शालिशामा यह भेंट ले आया, अर्थात पवित्र स्थान वाले शेकेल के हिसाब से 130 शेकेल चांदी का एक परात और 70 शेकेल चांदी का एक कटोरा, ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए और मैदे से भरे हुए थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 शेकेल सोने का एक धूपदान, होम बलि के लिए एक बछड़ा, एक मेंढा और एक वर्ष का एक मेंढी का बच्चा, पाप बलि के लिए बकरा और होम बलि के लिए 2 बैल और 5 मेंढे और 5 बकरे और एक एक वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे। अमीहूत के पुत्र एलीशामा की यही भेंट थी। आठवें दिन मनश्शेइयों का प्रधान पदासुर का पुत्र गमलीएल यह भेंट ले आया, अर्थात पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से 130 शेकेल चांदी का एक परात और 70 शेकेल चांदी का एक कटोरा, ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए और मैदे से भरे हुए थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 शेकेल सोने का एक धूपदान, होम बलि के लिए एक बछड़ा और एक मेंढा और एक वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा और पाप बलि के लिए एक बकरा और मेल बलि के लिए 2 बैल और 5 मेंढे और 5 बकरे और एक एक वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे। पदासुर के पुत्र गमलीएल की यही भेंट थी। और नौवें दिन बन्यामीनियों का प्रधान किदोनी का पुत्र अबिदान यह भेंट ले आया, अर्थात पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से 130 शेकेल चांदी का एक परात और 70 शेकेल चांदी का एक कटोरा, ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए और मैदे से भरे हुए थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 शेकेल सोने का एक धूपदान, होम बलि के लिए एक बछड़ा और एक मेंढा और एक वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा, पाप बलि के लिए एक बकरा और मेल बलि के लिए 2 बैल और 5 मेंढे और 5 बकरे और एक एक वर्ष के 5
सोने का एक धूपदान, होम बलि के लिए एक बछड़ा और एक मेंढा और एक वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा, पाप बलि के लिए एक बकरा और मेल बलि के लिए दो बैल और पांच मेंढे और पांच बकरे और एक एक वर्ष के पांच भेड़ी के बच्चे। अम्मीशद्दे के पुत्र अखियाजर की यही भेंट थी। और ग्यारहवें दिन आशेरियों का प्रधान ओक्रान का पुत्र पजीएल यह भेंट ले आया, अर्थात पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से 130 शेकेल चांदी का एक परात और 70 शेकेल चांदी का एक कटोरा। ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए और मैदे से भरे हुए थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 शेकेल सोने का एक धूपदान, होम बलि के लिए एक बछड़ा और एक मेंढा और एक वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा, पाप बलि के लिए एक बकरा और मेल बलि के लिए दो बैल और पांच मेंढे और पांच बकरे और एक एक वर्ष के पांच भेड़ी के बच्चे। ओक्रान के पुत्र पजीएल की यही भेंट थी। और बारहवें दिन नप्तालियों का प्रधान एनान का पुत्र अहिरा यह भेंट ले आया, अर्थात पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से 130 शेकेल चांदी का एक परात और 70 शेकेल चांदी का एक कटोरा। ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए और मैदे से भरे हुए थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 शेकेल सोने का एक धूपदान, होम बलि के लिए एक बछड़ा और एक मेंढा और एक वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा, पाप बलि के लिए एक बकरा और मेल बलि के लिए दो बैल और पांच मेंढे और पांच बकरे और एक एक वर्ष के पांच भेड़ी के बच्चे। एनान के पुत्र अहिरा की यही भेंट थी। वेदी के अभिषेक के समय इसराइल के प्रधानों की ओर से उसके संस्कार की भेंट यही हुई, अर्थात चांदी के 12 परात, चांदी के 12 कटोरे और सोने के 12 धूपदान, एक एक चांदी का परात 130 शेकेल का और एक एक चांदी का कटोरा 70 शेकेल का था। और पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से ये सब चांदी के पात्र 2400 शेकेल के थे। फिर धूप से भरे हुए सोने के 12 धूपदान, जो पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से 10-10 शेकेल के थे, वे सब धूपदान 120 शेकेल सोने के थे। फिर होम बलि के लिए सब मिलाकर 12 बछड़े, 12 मेंढे और एक एक वर्ष के 12 भेड़ी के बच्चे अपने अपने अन्न बलि सहित थे। फिर पाप बलि के सब बकरे 12 थे और मेल बलि के लिए सब मिलाकर 24 बैल और 60 मेंढे और 60 बकरे और एक एक वर्ष के 60 भेड़ी के बच्चे थे। वेदी के अभिषेक होने के बाद उसके संस्कार की भेंट यही हुई। और जब मूसा यहोवा से बातें करने को मिलाप वाले तंबू में गया, तब उसने प्रायश्चित के ढकने पर से, जो साक्षी पत्र के संदूक के ऊपर था, दोनों करबों के मध्य में से उसकी आवाज सुनी जो उससे बातें करता था। और उसने, यानी कि यहोवा ने उससे बातें की। सोने का एक धूपदान, होम बलि के लिए एक बछड़ा और एक मेंढा और एक वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा, पाप बलि के लिए एक बकरा और मेल बलि के लिए दो बैल और पांच मेंढे और पांच बकरे और एक एक वर्ष के पांच भेड़ी के बच्चे। अम्मीशद्दे के पुत्र अखियाजर की यही भेंट थी। और ग्यारहवें दिन आशेरियों का प्रधान ओक्रान का पुत्र पजीएल यह भेंट ले आया, अर्थात पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से 130 शेकेल चांदी का एक परात और 70 शेकेल चांदी का एक कटोरा। ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए और मैदे से भरे हुए थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 शेकेल सोने का एक धूपदान, होम बलि के लिए एक बछड़ा और एक मेंढा और एक वर्ष का एक भेड़ी का